एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग 7 मिनट सीरीज में कवर करेंगे कि इकोनॉमी से रिलेटेड है ये एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम्स में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसए के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी जीएस पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, और एज ए जनरल नॉलेज भी आपको जानना चाहिए। ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या है? ट्रिकल डाउन थ्योरी बहुत डिस्प्यूट में रहता है, अक्सर आप सुनेंगे, कभी न्यूज़पेपर में देखेंगे या टीवी डिबेट्स में, कई जगह इस टर्म का यूज़ आता है। तो ये बेसिकली क्या है कि इस कंसेप्ट के हिसाब से, मतलब आसान शब्दों में समझना हो तो ऐसे समझिए कि कहीं की सरकार ऐसा कोशिश करती है, वो अगर ट्रिकल डाउन थ्योरी को फॉलो करती है तो वो ऐसा करेगी कि जो भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो भी वेल्थ क्रिएटर्स हैं उनको वो टैक्स में उनको बेनिफिट देगी, कि भाई टैक्स, अगर वेल्थ क्रिएशन ज़्यादा करेंगे तो उनको टैक्स में एडवांटेज मिलेगा, कि उनको टैक्स कम लगेगा। तो जो भी ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन कर रहे हैं उन लोगों को एडवांटेज देती है गवर्नमेंट, टैक्स में कमी करती है। तो उस तरह के थ्योरी को हम ट्रिकल डाउन थ्योरी कहते हैं, और ये इसको क्रिटिक की तरह से देखते हैं जो भी कम्युनिज्म फिलॉसफी को मानते हैं, कम्युनिज्म में झुकाव जिनका है, वो सारे लोग इसको एक उसके क्रिटिक, सबसे बड़े क्रिटिक वही लोग हैं। ठीक ना, मतलब मैं एक पर्सपेक्टिव लाने के लिए बता रहा हूँ कि जब इस बारे में बात होती है तो किस तरह दो धड़ा बटा हुआ है इसके बारे में। ठीक है, तो वेल्थ क्रिएशन, अब इसमें और थोड़ा और समझ लीजिए, इसका मतलब ये है कि वेल्थ क्रिएशन को, इस तरह की विचारधारा वेल्थ क्रिएशन को अच्छा मानती है, उसको प्रमोट करने को कहती है कि वेल्थ क्रिएशन एक अच्छी चीज़ है, उसमें हमें जो भी वेल्थ क्रिएट कर रहा है या जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको हमें रोकना नहीं है, उस पर किसी तरह का टैक्सेस में बहुत ज़्यादा टैक्स, जैसे हमारे यहाँ भी क्या है कि टैक्सेस बढ़ा, जिसको जिसकी अर्निंग ज़्यादा है वो उस ज़्यादा टैक्स स्लैब में आ जाता है, तो वैसा ना करके जिसकी अर्निंग जितनी ज़्यादा है वो टैक्स कम टैक्स स्लैब में आए, ताकि सब लोग मोटिवेट हों ज़्यादा अर्न के लिए, नंबर एक। नंबर दो कि इस तरह की फिलॉसफी को मानने वाले लोगों का ऐसा मानना है, विचार करते हैं वो ये ऐसा कि जब जितना ज़्यादा अर्निंग होगा वो बेसिकली क्या होगा, ट्रिकल होगा, वो धीरे धीरे किसी न किसी तरह रिसोर्सेज या मनी अपने आप ट्रिकल करेगा और कॉमन लोगों तक, जिनके पास नहीं है वेल्थ, वहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है ट्रिकल डाउन थ्योरी को समझने के लिए। इसको क्रिटिसाइज करने के लिए कई तरह की चीज़ें हुई, जैसे पनामा लीक पेपर में कुछ चीज़ें बाहर निकल के आई थी, तो उसको ऐसे इस ढंग से दिखाया गया है कि वेल्थ का क्रिएशन तो हो रहा है ट्रिकल करने के, कॉमन लोगों तक जाने के बजाय ये क्या हो रहा है, सीधे यहीं से पनामा अकाउंट में पहुंच जा रहा है। तो एक पर्सपेक्टिव देने के लिए मैं ये डाला हूँ, ताकि आपको आइडिया लगे कि ऐसा ऐसा चीज़ होता है इसमें। ठीक है ना, तो बेसिक चीज़ ये है, इसका अलग क्रिटिसिज्म है। यूएसए के प्रेसिडेंट हुए 80s में, रेगन करके आपने नाम सुना होगा, वो बेसिकली वो रिपब्लिकन थे, तो उन्होंने इस कंसेप्ट को बहुत सपोर्ट किया। ठीक है ना, तो इसलिए बहुत बार आप देखेंगे कि जैसे दो पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजीज़ हैं, जैसे मान लीजिए वहाँ डेमोक्रेट है, रिपब्लिकन है, यहाँ बीजेपी है, कांग्रेस है, ऐसी और देशों में भी है जो कुछ मानी जाती है कि लिबरल आइडियोलॉजीज़ को मानती है, कुछ जो है ज़्यादा रिजिड होती है, राइट विंग होती हैं, तो उसमें जो है जो ये इस विचारधारा को मानने वाले लोग जो है, इस इकोनॉमिक पॉलिसी को मानने वाले लोग माने जाते हैं कि राइट विंग सपोर्टर हैं, तो इसीलिए इसको ज़्यादा आपको लेफ्ट विंग या जो कम्युनिज्म की फिलॉसफी में विश्वास रखते हैं उस इस फिलॉसफी को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, तो एक पर्सपेक्टिव देने के लिए मैं ये सारी चीज़ें कवर किया हूँ, बाकी चीज़ें जो बताया न्याय बैंक का मेन चीज़ क्या है, ये ट्रिकल करना, जो भी वेल्थ क्रिएशन होगा वो सभी के काम आएगा धीरे धीरे, ये एक फिलॉसफी बताती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।